जितनी जनता है सारे जो है बीजेपी वालों से परेशान है। ठीक है, सरकार हमको साइकिल के लग रहा है कि वही जीतेगी। क्या लग रहा है आपको, जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत ये है कि जितनी जनता है सारे जो है बीजेपी वालों से परेशान है। ठीक है, अब जनता का कहना ये है कि समाजवादी पार्टी आए और इनकी गरीबी को देखे, इनकी गरीबियों को दूर करे। जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, वजीफा नहीं पा रहे हैं, तो उनकी समाजवादी पार्टी की सरकार आए और इनको गरीबों का जो है गरीबी दूर करे। मतलब बीजेपी की सरकार जाए और समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की सरकार आए, गरीबों का कल्याण करे, यही कहना चाहती है? जी, और कुछ? जी जी। तो महिलाओं का क्या रहेगा मुद्दा इस बार? महिलाओं आगे रहेंगी समाज न, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का कुछ नहीं है इस समय बीजेपी में, कुछ नहीं है। जितना अखिलेश यादव में था महिलाओं का सम्मान होता था, सुरक्षा मिलता था, इस समय तो कुछ नहीं मिल रहा है। कोई महिलाओं का नहीं, न गरीबों का, न पार्टियों का, किसी का भी नहीं दे रही है। और ज्यादा बोलती है तो उनको अंदर कर दिया जाए। और क्या लग रहा है कि दीदी का पलड़ा कैसा रहेगा इस बार? दीदी का पलड़ा तो कोई बता नहीं सकता है, दीदी का पलड़ा तो नहीं आएगा, मगर भैया ही का आएगा। अच्छा, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की अच्छे बहुमत से जीत होगी। हमारे साथ एक और महिला है, उनसे बात करता हूँ। बताइए, आप भी थोड़ा सा रोशनी डालिए कि इस बार विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने वाला है, तो उसमें क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, किसकी जीत हो सकती है, किसकी हार हो सकती है, किसकी सरकार हो सकती है? साइकिल वाले, साइकिल वाले की सरकार होगी, ऐसा आपको लग रहा है? हो सकता है। आंटी नहीं बोल पा रही है, आप बताइए। सरकार हमको साइकिल के लग रहा है कि वही जीतेगी। मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार लग रही है आपको, भारी मतों से जीतेगी? ठीक है, तो जैसे 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में अच्छा काम किया था, क्या लगता है कि फिर 2022 में जीत के उसी तरह से अच्छा काम करेगी? हाँ, उसी तरीके का अच्छा काम करेंगे, होना चाहिए। और अगर जीत गई सरकार 2022 में, तो आप क्या महिलाओं के लिए क्या गुहार करेंगे सरकार से कि और अच्छा हो? और अच्छा हो नहीं, क्या आप महिलाओं के लिए क्या एक मांग करेंगी? अरे यही मांग करेंगे कि दुख सुख में साथ दें, दुख सुख में साथ दें। आंटी आप भी बोलेंगी? नहीं ठीक है सर। नहीं, किसकी सरकार, आपको क्या लग रहा है कि इस बार का माहौल कैसा है? ये ठीक है, साइकिल वाले ठीक है। इस बार जो प्रदेश में सरकार बनने वाली है उसमें किसकी सरकार बन सकती है, तो अपना नाम बताइएगा। रामानंद यादव। तो आप बताइए कि क्या लग रहा है इस बार का क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा रहेगा कि महंगाई और तमाम तरह के, जैसे कई गरीबों के हक नहीं दिया गया, तमाम बातें हैं, इसलिए समाजवादी सरकार लाना है। मतलब महंगाई एक मुद्दा है जिसके ऊपर समाजवादी सरकार को पब्लिक को चुन के लाना चाहिए। और रोजगार कैसा मुद्दा है आपके लिए? रोजगार, युवक लोग को रोजगार नहीं मिला, वो परेशान है। कोई न रोजगार मिला, न नौकरी मिली, कुछ भी नहीं मिला, और अखिलेश सरकार आना है। जनता से क्या अपील करेंगे आप इस बार? इस बार अपील करेंगे कि सब कोई मिल करके का नाम समाजवादी सरकार को जिताइए, समाजवादी सरकार को जिताइए और प्रदेश में खुशहाली लाइए, यही बताया था। हाँ, खुशहाली लाइए, और नहीं तो देश बिक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे साथ और भी एक है, अंकल है, उनसे पूछते हैं। अंकल क्या लग रहा है आपको इस बार का माहौल कैसा है? ठीक है, जो जीत जाए अच्छी बात है। कौन जीत जाए तो अच्छी बात है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की फिर से जीत लग रही है आपको? हाँ। और फिर मोदी योगी जी का क्या होगा? योगी जी मोदी जी मठ में जाएंगे? अब तो भाई जीतने के बाद ही तो पता चलेगा। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है इस बार? अरे भाई, हम तो पहले भी यही सोच रहे थे, लेकिन अब भी यही सोच रहे हैं, महंगाई तो ही है। तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा अंकल बोल रहे हैं, इसके बाद हम चलते हैं। हमारे साथ और अंकल हैं, अंकल नाम बताइएगा। महेंद्र कुमार है। महेंद्र कुमार, तो क्या लग रहा है इस बार, क्या कैसा रहेगा, पब्लिक का मूड कैसा है? पब्लिक का मूड यही है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी आवे और महंगाई कम करें और बेरोजगारों रोजगार दिया जाए। जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं, हाई इंटर करते हैं, उनको
परीक्षा देते हैं, परीक्षा में लिख कर देते हैं, तो वो बेचारे इतनी दूर दूर से आते हैं तो वो निरस्त क्यों कर देते हैं। अभी समाजवादी पार्टी में कुछ सुनने राजभर जी के ऊपर एक कटाक्ष किया गया, तो राजभर जी उसको अपने तरीके से लिए उसको कि उसको जोकर कहा गया, तो इस तरह की बातें जो समाजवादी पार्टी से अभी आ रही है, तो उसका कितना नुकसान हो सकता है पार्टी? पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब की बार समाजवादी पार्टी आए, बेरोजगारों का रोजगार दिया जाए और गरीबों का निर्णय सुना जाए, बात किया जाए, जो विकास के लिए है, विकास जो गरीबों बच्चे हैं झोपड़ी पट्टी है उनके भी सुना जाए, बिजली है, पानी है, बत्ती है, जो जमुना किनारे रहते हैं कोई फालतू नहीं रहते हैं, वो भी इंसान है, जो अगर कर्म से वो जिसके पास दौलत नहीं है वो सिविल लाइन और वहाँ नहीं रह पाएंगे, जिसके पास दौलत नहीं है तो वो तो झुग्गी लगा के जमुना किनारे रह सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ अखिलेश पार्टी आए, समाजवादी पार्टी, और गरीबों का हमदर्द बने, गरीबों की बात सुने। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।